Welcome to Bucket List, and today's video is going to be about decoupage. It's a technique, और ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही creative और बहुत simple technique है, जिसे आप अपने घर में रखे हुए पुराने बक्से, पुराने trunks, या सिर्फ कुछ भी boxes हो, wooden boxes हो या hardboard, cardboard, किसी भी type के box हो, उसको आप totally transform कर सकते हैं, थोड़े से glue और कुछ beautiful colored paper napkin की मदद से। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने एक वुडन बॉक्स को यहाँ पर ऐसे ट्रांसफॉर्म करके एक सीनिक लुक दिया है। आई एम यूजिंग दिस हार्डवुड आई वुड से वुडन बॉक्स टू स्टोर माय मेकअप एक्सेसरीज एंड हियर इज अनदर वन लेट मी जस्ट पिक दिस अप एंड दिस इज द सेकंड वन व्हिच आई हैव आल्सो डेकोरेटेड विद सम सीक्वेंसिंग स्टार्स आई वुड से ओके सो आई एम स्टोरिंग दिस टू सम पूजा स्टफ इन दिस And so, yeah, here's this what this looks like. So we can begin, or rather, I'll begin to show you how to create such kind of boxes and totally transform the look of your old trunks and boxes. Let's begin. सबसे पहले आप सामान लिस्ट डाउन कर लीजिए, जो कि हमें डिकुपाज में रिक्वायर्ड होगा. Next, हम अपने वुडन बॉक्स को एक्रेलिक पेंट की मदद से कवर करेंगे. मैंने एक लाइट शेड का एक्रेलिक पेंट लिया है, एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं इस एक्रेलिक पेंट को प्रॉपरली या इवनली स्प्रेड कर दूंगी बॉक्स पे। आप एक्रेलिक पेंट से सारे साइड्स कवर कर सकते हैं, जितना अच्छे से एक्रेलिक पेंट आपके बॉक्स पे बैठेगा उतनी अच्छी या स्ट्रॉन्ग आपके बॉक्स की राइस पेपर के लिए फाउंडेशन बनेगी। अगर आपके पास पेंट ब्रश नहीं है या तो आप उसको हाथों से भी स्प्रेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्पंज ब्रश का भी यूज करा है। कुछ कुछ ऐसे सर्फेसेस होते हैं जहाँ पे लकड़ी पे अच्छे से पेंट ब्रश नहीं बैठता है। आप देख सकते हैं मैंने किस टाइप से स्पंज ब्रश से उन एरियाज पे पैट करके कलर को स्प्रेड कर दिया। बॉक्स जब चारों तरफ से कवर हो जाएगा तो राइस पेपर को कट करके हम सेक्शंस निकाल लेंगे। अब हम अपने बॉक्स के ऊपर राइस पेपर को पुट करके देखेंगे कि वो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट हम इस राइस पेपर को स्टिक करने के लिए स्टैम्प एरिया ग्लू की मदद लेंगे। मैं इस ग्लू को अच्छे से इस बॉक्स पर फैला दूंगी और उसके बाद एक स्पंज ब्रश की मदद से मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी। फिर आप अपने राइस पेपर को पुट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका राइस पेपर इस सरफेस पे बैठ रहा है। और अब हम हल्के हाथों से इस पेपर को प्रेस करेंगे ताकि वो बिना सिलवट या फिर क्रीजेस के हमारी लकड़ी की सतह पे बैठ जाए। बैक साइड के लिए मैंने राइस पेपर नहीं यूज करा है, बट मैंने नैपकिन को बैक पे पुट कर दिया है और उस पे मैं स्प्रे पेंट का यूज कर रही हूँ। मैंने ग्रीन कलर लिया है ताकि वो बाकी के बॉक्स से मैच कर जाए। आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। एक बार हमारा बेस तैयार हो जाएगा बॉक्स, तो मैं उस पे वापस से एक छोटा सेक्शन राइस पेपर का कार्ड चिपका दूंगी, क्योंकि मैंने इसको कैची से काट रखा है इसलिए इसके साइड्स वापस से ना निकल जाए। तो मैं दोबारा से यहाँ पे ग्लू डाल के उसके साइड्स को और मजबूती देने के लिए उंगली से स्प्रेड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा बॉक्स ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और चारों तरफ से वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब इसको फाइनल टच देने के लिए मैं यहाँ पे वार्निश यूज करूंगी। वार्निश को आप रैंडमली थ्रो करके अच्छे से या इवेनली ब्रश से स्प्रेड कर सकते हैं और उसके सारे एरियाज पे कोटिंग दे सकते हैं।
वार्निश से हमारे बॉक्स की लाइफ बढ़ जाती है और वो जल्दी वेयर एंड टेयर नहीं होता है। बॉक्स को अंदर से डेकोरेट करने के लिए मैंने टेप की मदद से उसके सारे साइड्स कवर कर दिए हैं और मैंने फ्रंट सरफेस पे एक्रेलिक पेंट की मदद से दोबारा वो सरफेस वाइट कर दिया है। अब मैं राइस पेपर को आप एक बार दोबारा देखिए किस तरीके से मैं काट के कैची से दोबारा से राइस पेपर को हाथों से साइड्स उसके फाड़ूंगी और उसको अच्छे से बॉक्स पे स्टिक करने के लिए ताकि वो उसके साइड्स ना निकल जाएं और वो अच्छे से लकड़ी पे बैठ जाए। तो आप अपने हाथों से भी राइस पेपर को फाड़ के चिपका सकते हैं। मैंने पहले ही थोड़ा सा ग्लू डाल रखा है बेस पे, आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही ये पेपर तैयार हो जाएगा कटने के बाद मैं इसको वहां पे स्टिक कर दूंगी। वंस अगेन, क्योंकि इसके साइड्स बहुत नाजुक होते हैं और वो निकल सकते हैं, तो मैं दोबारा से यहाँ पे ग्लू स्प्रेड करूंगी। और उसको थोड़ा सा पैट करते हुए उसके साइड्स को एकदम वुड के सरफेस के साथ अच्छे से बिठा दूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे वार्निश यूज करूंगी और बॉक्स के का जो भी अंदर का सरफेस कवर हुआ है उस पे मैं अच्छे से स्प्रेड करते हुए पूरे बॉक्स को वार्निश से अपने कवर कर दूंगी फॉर द लॉन्गिटिविटी। फाइनली हमारा बॉक्स रेडी हो गया है और वो कुछ इस टाइप का लगेगा। आप Hey everyone, I hope you like this video. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव या विचार भी शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे art_canlik हैंडल से अवेलेबल हूँ। तो अगर आपको डीकूपाज के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज का ज्यादा से ज्यादा टाइमली जवाब देने की कोशिश करूंगी। And also please don't forget to subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon and never miss an update from Bucket List. Take care. Bye-bye.